अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है, जब भी आएंगे तो कैमरा उधर से ही ऑन करके आएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। हर किस्म के कलर के हैं माशाल्लाह से, प्यारे नहीं है, जबरदस्त है। ऐसे ना बेगम साहब, और आज पार्लर वाली को हमने बुलाया घर पर, तो उसे हमने ये देखे मेहंदी वगैरह लगवा ली है, तो अभी मैंने ये सूट पहना हुआ है, लेकिन शाम को ना मैं दूसरा सूट जब उधर जाएंगे ना, तो जगह वगैरह भी है हमारा, तो और सूट मैंने पहनना है, क्योंकि मैंने कहा चलो ये अभी पहन लेते, क्योंकि अभी मेहमान आते जाते रहेंगे ना, क्योंकि शादी वाला घर तो अक्सर बंदे आते जाते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, बहुत ही हमें मजा आ रहा है, खुशी है। और अभी मेहमान आने वाले हैं, असगर मामू और उसके जो दूसरे भाई हैं उसके घर वाले सब, वहाँ भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, तो अभी चलते हैं देखते हैं कि वो आने वाले हैं कि अभी देर है। वो तो उन्होंने कहा किया कि हम बस पहुंचने वाले हैं, तो अभी देखते हैं उनको, अभी चलते हैं देखते हैं। हाँ जी, और आज जुमे का दिन है, तो आप सब बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो इन मेहमानों का ना हमें बेसब्री से इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम। सलीम कैसे हो? बस ठीक, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम। आपका ना हम कल से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप कल नहीं आए। पहले आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। वसीम की कोठी की। खैर मुबारक, खैर मुबारक। हम घर कहते हैं, ये कोठी कहते हैं। बहुत सुंदर बनाई है, खूबसूरत कोठी बनाई है, और जो भी देखेगा, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सबको पसंद है, जो भी देखेगा वो यही कहेगा कि बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब करे। और आप सब खैरियत से हैं? आपका सफर कैसा रहा? बस अल्लाह के करम से हम भी खैरियत से पहुँच गए हैं, तो अभी तकरीबन 3 बजे का टाइम है। हाँ जी, गपशप तो लगी रहेगी। मैं चला जाऊंगा वापस। नहीं, आपको कौन जाने देता है? बेगम साहबा है। हाँ। और साकिब और जुहेब, बेटियां मेरी वो यहीं इधर रहेंगी शादी पर 3 दिन, क्योंकि पीछे जानवर हैं। हाँ, जानवर अकेला है, ये तो है, आजकल हालात अच्छे नहीं है, तो सब कुछ देखना पड़ता है, कहीं चोर ना ले जाए थे। बात है ना, क्योंकि रेगिस्तान इलाका है, शादी खाते खाते हम जानवर ही दे बैठे हैं। और आप सुनाए, हाला ठीक है? आप भी ठीक हैं? और ये देखें, ये जी ये मेरे कज़न है। वालेकुम सलाम। हाँ, थकते नहीं गए? और बाकी जो है ना वो हमारे घर चले गए। वो दूसरे घर, इधर जो यूट्यूब पर आए, ये इस घर में। सलीम, वैसे भी ये यूट्यूब फैमिली है। हाँ, ये यूट्यूब फैमिली है, बिल्कुल। वसीम कोठी। हाँ, चलो ठीक है, तो जब भी आएंगे तो कैमरा उधर से ही ऑन करके आएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। चलो चलो, अच्छा किया तो आप आज आ गए। यूट्यूबर के लिए दाखला फ्री फ्री है। नहीं, हम ना हम कह रहे थे कि आज भी नहीं आते ना, फिर हम नाराज हो जाते आपसे। अच्छा, हाँ, अच्छा, हमने भी कल कोशिश की थी, क्योंकि करीबी रिश्तेदार हमारे यही है। हाँ, इनका ना मैंने वीडियो देखी थी, अभी भी मेडिसिन लेता है। अच्छा, मेडिसिन लेता है। कल हमने आपका बहुत इंतजार किया है, तो चलो आज उसकी कमी। ड्रेस ठीक है माशाल्लाह, जो भी देखता है बेगम साहब के ड्रेस। चलो जी, कोठी को कोई नहीं देखता। चलो ठीक है जी, आप ना बातें होती रहेंगी, अभी चलते हैं, चाय आपको पिलाते हैं, क्योंकि चाय ये भी ज्यादा पीते हैं जैसे हम पीते हैं। खाने की खैर है? हाँ, अच्छा ठीक है, ज्यादा भी नहीं। तो अभी मेहमानों को हमने इधर बिठा दिया है, चाय वगैरह बना दी है, उनको चाय भी पी ली है उन लोगों ने, तो हमने कहा कि खाना भी खा ले, लेकिन वो कहते कि हम खाना खा के आए थे, लेकिन देर से खाएंगे, अभी थके हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी हम थोड़ी देर। हाँ, काफ़ी सफ़र है, 2 घंटे लग जाते हैं, वो मोटर रश के पर आए हैं ना, इसलिए। हाँ जी, बिल्कुल, एक ही मोटर रश का किराया उन्होंने और उसके ऊपर आए हैं, तो ऐसे समझ लें एक दूसरे के करीब करीब बैठ कर आए हैं ना, वो थक गए हैं, तो क्योंकि बच्चे भी थे, खुद भी थे, 15-20 ना वो लोग, हाँ लोग थे, वो देखें वो सामान कहता कि चलो, क्योंकि उस घर में नए घर में ना फूल भी आए हुए हैं। हाँ, फूल भी दिखाते हैं आपको, आओ चले, आओ उस्मान। उस्मान ने उमर के जूते पहने हुए हैं, इसको पसंद आ गए, बड़े हैं, आप आते हैं।
चलो फिर। और मामू खलील भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू जी, कहाँ जा रहे हो? वालेकुम सलाम, क्या हाल है मामू जी? कैसे? ठीक है। मामू जी भी आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और मेरी खाला भी आ गई है, सब आ गए माशाल्लाह से। और तो बहुत खुशी हुई है आज। और अभी चलते हैं, आपको ना फूल दिखाते हैं बेगम साहबा की, देखें कैसे चल फिर रही है। क्या बात है इसकी, हाँ हर किस्म के माशाल्लाह से। ये देखें फूल ले आए हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ क्योंकि इधर जो ना जगह है ना, इधर फूल वगैरह लगाएंगे माशाल्लाह से। ये देखें हर किस्म के फूल हैं, सब फूल हो गए ना। जी जी, अभी रश के मोटर रश के पर आए हैं, तो मैं ना ये फूल उतरवाए हैं। और ये देखें हर किस्म के कलर के हैं माशाल्लाह से, प्यारे नहीं हैं? ज़बरदस्त है ऐसे ना बेगम साहब? हाँ कुछ इधर लगा देंगे, ठीक है कुछ उधर लगा दें, कुछ ना बाहर रखेंगे। ओ मेरा कज़न, इसके साथ मुलाकात नहीं हुई। हाँ, कैसे हो? हाँ ठीक हो? क्या हाल है? ठीक। चलो जी, ये भी आ गए, इसकी सिस्टर है और ये है। इसकी और हाँ, ये इसके भाई हाँ, इसकी अम्मी और उसके भाई तो आए हुए हैं, उसकी अम्मी नहीं, वो कहती है कि मैं कल आऊँगी। हाँ क्योंकि पीछे काम होता है ना, जानवर है ना जी, जी। तो फिर क्योंकि पीछे है कोई नहीं, हाँ, इसलिए एक बेटी की तो शादी हो गई है। हाँ, बस एक बेटी है और एक ये छोटा सा है, तो पीछे घर को भी देखना पड़ता है। हाँ जी चलें बाहर चलते हैं। नहीं नहीं लगी मेरे ख्याल में अभी, मैं क्योंकि असल में थोड़ा सा ना बाजार गया था, तो इधर जगह सगा ये देखें साफ़ हो गई है माशाल्लाह से। पानी का तरपाव वगैरह किया है, तो सेटअप ना इधर करेंगे, ये देखें जी। हाँ क्योंकि अभी ये देखें इधर फट्टा वगैरह लगा दिया है, और पानी का तरपाव करेंगे, फिर इधर देगे वगैरह पकेंगी, और उस साइड पर ना तंबू कनाते लग जाएंगी। हाँ दावत वलीमा जो होता है वो उधर चलाएंगे। थोड़ी सी सब्ज़ी ख़त्म किया है क्योंकि फिर ना शुक्र है कि गाजरें ख़त्म नहीं हैं, गाजरें बच गई हैं हमारी। हाँ जी, मैंने कहा है कि चाची जान को मैंने कहा है गाजरें ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि अभी गाजरें अभी शुरू हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, तो अब इंशाल्लाह शादी के बाद ये गाजरें हम खाएंगे। अभी तो मसरूफ है, खाने का टाइम नहीं। इधर आए नहीं, आज आए हैं हम बाहर। हाँ कितने दिनों के बाद आज हम आए हैं। हाँ मौसम माशाल्लाह काफ़ी प्यारा बना हुआ है, और हमने कहा कि ना मेहमानों का आप गप शप लगाएं, अम्मी जान से, नानी जान से, और फिरोजा आपी, समेरा आपी, और सब उधर आएँ और घर आएँ। वो हमने कहा आप गप शप लगाएं, हम बाहर चलते हैं, थोड़ा सा भी लोग बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह खाना वगैरह बनाएंगे उनके लिए, रहेंगे तीन चार दिन। हाँ तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, उनके साथ व्लॉग्स बनाते रहेंगे और घर में भी रात दिन गप शप भी लगाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। बात आपको बताऊं, इन्होंने ना मेकअप वाली को घर बुला लिया है, एक दिन करवाया है। हाँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं ना हम उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर सफ़र भी है, टाइम ज़ाया हो जाता है। हम गए थे पता है तीन तीन, हम ना एक सेक मतलब के ऊपर बैठ के गए थे, फिर वापस आए थे, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो फिर मसला हो जाता था। फिर हमने कहा कि उसको कल हम क्या कराए थे, हमने कहा आना सुबह आपने, हमें मेहंदी भी लगानी है और हमारी पार्लर की जो तैयारी है वो भी करानी है, तो स्विच पर है कि वो सुबह सुबह हमारे पास आ गई है। अभी कुछ तैयार हो रही हैं, कुछ हो गई हैं, कुछ अभी करवा रही है, तो उसके बाद हम भी करवाएंगे इंशाल्लाह तैयारी, तो कपड़े भी और चेंज करेंगे। अभी तो मैंने वैसे ये पहन लिया है, लेकिन ये मेरा सूट माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, क्योंकि तो बच्चों को वो कमेंट में भी ज़रूर बताना है कि कैसा लग रहा है, क्योंकि उस्मान को फिर उठाती है ना, तो इसलिए फिर क्योंकि वो कपड़े गंदे कर देता है, वो आपको पता है बहुत शरारती है आजकल। वो कहता है ना चाचू के घर करने जो फर्श है ना, उसने पहले नहीं देखा और विंडो भी नहीं देखी, वो सुबह आकर देख कर फिर साहब को बता रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था। वो लग गया और विंडो भी चाचू की लग गई है, वो कहता है मुझे पता भी, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं है, कहता है। हमने कहा इसके काम चेक करो, सब हंस रहे थे उसके ऊपर। सोनिया जब आएगी ना, उस्मान हमारे पास आने वाला नहीं है, सोनिया के पास ही रहेगा, मुझे ऐसे लगता है ऐसे ना। हाँ क्योंकि उम्र तो बड़ा है। हाँ। वो नहीं आएगा, लेकिन सुमान क्योंकि चाचू का बहुत ना वो उसके साथ प्यार करता है। हाँ प्यार करता है, उसके बड़े शौक से रहता है। हाँ जाता है तो फिर वो कहता है कि इधर ये नहीं जगह है, ये मेरी जगह है, वो कहता है मेरी जगह है। हाँ मैं इधर रहूँगा। चलो जी चलो से माशाल्लाह से ये देखें आंबों को ना भूर लग गया है, माशाल्लाह से फल लगा हुआ है, तो ये तो हम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि मसरूफ़ हो गए थे ना, शादी के शादी है हमारे यहाँ, तो इसलिए ये तो अच्छा किया ना आप लोगों ने। अच्छा डाल दिया,
ठंडी ठंडी छांव आए, अब पता है धूप में जाए तो गर्मी लगती है। हाँ, गर्मी लगती है, गर्मी है। इसको ना बहुत ज्यादा, ये देखें फल लगा हुआ है माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है आम, ये आम भी लगने वाले हैं। हाँ, फिर इधर बैठेंगे, रेसिपी भी बनाएंगे और आम भी खाएंगे, मजे के ऐसे ना। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बहुत ही। इधर मेरा इरादा है कि हम इधर ना छोटा सा वो क्या कहते हैं चूल्हा वगैरह बना बनाएंगे, वो फिर सोनिया ने भी बनाना है इधर, क्योंकि अब सोनिया भी इधर आ जाएगी, तो फिर उन्होंने भी बनाना है, हम भी बना लेंगे एक सेट पर, तो साथ मिलकर इंशाल्लाह वीडियो भी बनाया करेंगे, व्लॉग बनाया करेंगे, आप पसंद आया करेंगे। और अभी चलें घर, क्योंकि उधर शोर था ना, हम इसलिए बाहर आ गए थे, हमने कहा कि शोर में वीडियो अच्छी नहीं बनती, तो बाहर जाएं और प्यारे व्यूअर्स को माहौल भी दिखाएं और व्लॉग भी अपना मुकम्मल कर लें। तो अभी वो ना हमारे मेहमान इंतज़ार कर रहे होंगे, वो कह रहे होंगे पता नहीं कहाँ चले गए हमें छोड़ कर, अभी घर चलते हैं, तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। उसके साथ भी जुड़े रहना। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़।